टेलीविजन की जानिब से शौकत का सलाम। आज हम बात करेंगे अतात और अमली अतात में क्या फ़र्क है। इस्लाम जो तहजीब इंसान को सिखाता है उसकी बुनियादी चीज़ यह है कि वो हर काम शुरू करने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेके शुरू करता है। अगर ये पाबंदी शऊर और गुरु और खलूस के साथ की जाए तो इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आदमी जो है वो बुराई से बचता है और नेकी की तरफ गामजन होता है, क्योंकि अल्लाह का नाम लेके गलत काम कर नहीं सकता तो वो नेकी की तरफ लाजमन गामजन हो जाता है। और इस तरह उसका ज़हन जो है ठीक सिमट में चलना शुरू हो जाता है और वो अमली अतात की तरफ मायल हो जाता है। जब कोई खुदा का नाम लेकर काम करता है तो खुदा की ताईद भी उसमें हासिल हो जाती है। तो जब इंसान खुदा की तरफ मायल होता है खुदा भी उसकी तरफ मायल हो जाता है। अब ये देखें, खाली आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करने से पहले आपके कितने फ़ायदे हासिल होते हैं, आप रब के करीब आते हैं और रब भी आपके करीब आता है। इसके बाद ये कि सबसे ज़रूरी बात जो है कि ये कुरान को आप समझ कर पढ़ें। अगर आप कुरान को समझ के नहीं पढ़ रहे तो आप बताएं कि आप क्या हासिल कर रहे हैं उससे। कुरान को पढ़ें, समझ कर पढ़ें, उससे गौर फिक्र करें और उसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल मुतय्यन कर दिए गए हैं उन पे गौर करें और ज़िंदगी गुजारने का रास्ता उसमें बता दिया गया है उसको अपनाने की कोशिश करें। और अगर आप ये नहीं करते तो ये भी एक तर्क अदात ही है। जब हम कहते हैं कि रब एक है, एक रब को मानते हैं, रब का मतलब अरबी में जो है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसका मतलब है मालिक के, आका के, परवरिश करने वाले के। अब मैं ये तो मान रहा हूँ कि मेरा रब है लेकिन मैं इसके अहकाम नहीं मान रहा, मतलब ये कि मैं ज़िंदगी जो है उसके अहकाम मुतालिक नहीं गुजार रहा, तो ये भी अतात नहीं है, ये भी अमली अतात नहीं है। अमली अतात का मतलब है ज़िंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारने का नाम है। आप गौर करें कि आप कहाँ खड़े हैं, हमारे कौल फेल में क्या तजाद हैं, हमारा माशरा क्यों तनजली का इधर बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह कि लोग इखलाकी बुराइयों का अजाला इबादतों से करना चाहते हैं। तो इसीलिए शायद हमारे अमाल की वजह से हमारी दुआओं की कबूलियत का सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो गया है और हमारे मसाइल में इजाफा हो रहा है। एज ए मुस्लिम आप ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, इसकी वजह क्या है, इस पर गौर करें ताकि आप सही रास्ता इख्तियार कर सकें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें। ये मेरे छोटे से पैगाम है, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद आई हो आप बेल का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें और एक ही नारा इस्लाम जिंदाबाद।